पटेल की जो इनिंग्स हमने देखी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो तकरीबन 30-32 की एवरेज से रन बना रहे हैं, एक शतक है उनका, तकरीबन 15-16 सेंचुरीज है। और आज की इनिंग्स देखकर लगा कि जो समय इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बिताया, जब ग्राउंड्समैन और चार कौओं के अलावा कोई नहीं देख रहा होता, मीडिया कवरेज बिल्कुल नहीं होता, ना फैंस होते हैं, वहां पर जो मेहनत की वो इस बड़े मंच पर रंग लाई, ये अचानक ओवरनाइट परफॉर्मेंस जैसे होते नहीं है। नहीं नहीं, और ऐसा नहीं है कि अचानक, क्योंकि जब से आए हैं भारतीय टीम में प्रदर्शन करते रहे हैं बल्लेबाजी में। वेस्ट इंडीज में तो एक मैच मुझे याद आता है, हमारे सारे दिग्गज बल्लेबाज आउट हो गए थे, फिर इन्होंने मैच जिताया। तो बल्लेबाजी का इनका जो स्किल होती है या जो एबिलिटी है, वो आई थिंक भारतीय टीम भी बहुत उसको रिस्पेक्ट करती है, और आज उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि विकेट, यू नो, अब हमारे प्लेयर्स ने रन बनाए ना तो इतनी बात नहीं हो रही विकेट की, क्योंकि विकेट इतनी आसान नहीं है। रोहित शर्मा ने एक बल्लेबाजी की थी जो कामनेस दिखी थी, एक सॉलिडिटी दिखी थी, वही चीज आपको अक्षर पटेल में भी दिखी है। अक्षर पटेल ने इस विकेट को ऐसा दिखाया है जैसे कि यार ऐसा कुछ नहीं है। और यू नो, मेंटल एबिलिटी की हमेशा ज्यादा चर्चा करता हूँ फिजिकल एबिलिटी से। आई थिंक वो जो फर्क है, आपने जो डोमेस्टिक का कहा कि वहां पे कितने होते हैं कौए, चार आते हैं, चार आते हैं। हाँ, तो ये खिलाड़ी भी कुछ वैसा लगता है कि जब यू नो कि जब लोग देख रहे हो, जब ये अपॉर्चुनिटी हो या जब तकलीफ में हो टीम, तब ये अपने खेल को और एक अलग स्तर पे ले जाते हैं, बेहतर स्तर पे ले जाते हैं। वो ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यू नो इनके बारे में वैसे भी सुना है कि बड़े कैजुअल है, मजे से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अपनी गेम को निखार के लाते हैं। अगर रविंद्र को लगे यू नो 25-30-40 टेस्ट मैच अपनी बल्लेबाजी को निखारने में, इनको तो आई थिंक 4 टेस्ट मैच में ही कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बल्लेबाजी निखार दी है। क्योंकि जिस चीज के लिए आप टीम में लाए वो तो वो अपना कर ही रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी एक अलग स्तर की है। कल बात कर रहे थे हम दो ऑलराउंडरों की, माफ कीजिएगा, तीन का नाम जरूर लेना पड़ेगा अब, क्योंकि अगर बल्लेबाजी में इन तीनों को रखूंगा तो शायद सबसे आगे ये अक्षर पटेल आएंगे इन तीनों में इस वक्त। क्या ये इंडियन क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीन स्पिनर्स, ये तिकड़ी जो है, तीनों बैटिंग भी उतनी अच्छी कर लेते हैं? मुझे याद नहीं ऐसा कोई दौर रहा हो, आपने दिवालिया ज्यादा देखी है सर जिंदगी में, ऐसा कोई दौर रहा है यहाँ पे तीन स्पिनर्स और इतने अच्छे बल्लेबाज हो और तीन क्वालिटी स्पिनर्स भी हो? एक मिनट, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की किताब पढ़ता हूं अभी जो पढ़ी हुई है, उसमें जो स्पिनर्स रहे हैं पास्ट में वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। गेंदबाजी में क्वार्टरेट जो था या तिकड़ी हुआ करती थी, लेकिन वो लोग बल्लेबाजी में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, ना ही कोई बल्लेबाजी उनमें करता था। मुझे याद नहीं आता कि कभी भी ऐसा टाइम आया हो कि कोई भी तीन गेंदबाज, मैं तो कह रहा हूं कि फास्ट बोलिंग में भी एक ऑलराउंडर्स होते थे, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं था, लेकिन तीन ऑलराउंडर्स इस शैली के टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी खेल रहे हैं गेंदबाजी के लिए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी किसी बल्लेबाजों से कम ना हो, मुझे नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट में ऐसा दौर कभी भी पहले आया। हाँ, ग्रेट्स थे, विनू वांकड़ साहब थे, यू नो ऑलराउंडर्स में उनका नाम लिया जाता है सब, शायद कपिल पाजी थे, एक एक इंडिविजुअल तो रहे हैं अलग अलग दौर में, लेकिन एक ही टेस्ट मैच में एक दौर में इस लेवल के ऑलराउंडर्स और खासकर गेंदबाजी के लिए मेन खेलते हैं और बल्लेबाजी भी करते हो, मुझे याद नहीं आता सर, किताब में भी नहीं मिला मुझे, पढ़ ली मैंने इतनी जल्दी।